नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। कहना चाहेंगे भोले मावली एल्बम का जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि सतगुरु श्री भोले शाह बाबा का ये एल्बम आज रिलीज़ किया है हम लोगों ने, और मेरी नज़र में ये बहुत ही बड़ा एल्बम है। इसे जिन लोगों ने भी बनाया है, मैं उनको तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस श्रद्धा से, जिस भावनाओं से इन्होंने इस गाने को म्यूज़िक को कंपोज किया और कैसेट बनाया इन्होंने, मेरी दुआएं हैं कि ये बहुत आगे चलेगा और हमारे सतगुरु शाह बाबा का नाम कण कण में होगा हर जगह। सर, आपने गाने भी सुने, किस तरह के गाने हैं, म्यूजिक किस तरह का है? देखिए, म्यूज़िक बहुत हटके है, आज के गानों से हटके। ये आप ये नहीं कह सकते कि भजन है जी। इन एक एक गानों के अंदर सिंगर से लेकर, राइटर से लेकर, म्यूजिक से लेकर, हर एक में भावना है। तो मैं समझता हूँ कि खास करके इन रागों का खास मिश्रण किया हुआ है और आज के माहौल से हटके भजन है। मुझे लगता है कि मेरे करियर में मैंने ऐसे इतने अच्छे सुंदर भजन कभी पहले नहीं सुने। क्या मैसेज जा रहा है इस एल्बम के द्वारा? बस यही है कि जो हमारे सतगुरु शाह बाबा से परिचित नहीं है, और इस एल्बम के बाद में सबको, लोगों को, बाबा के हर कोई ये चाहेगा कि बाबा के दर्शन करें, हम ये कैसेट सुने, अपने घरों में ला के कैसेट सुने। सर, होली आ रहा है, आपका कोई नया प्रोजेक्ट होली पे आने वाला है? हाँ, देखिए, अभी मैंने दो तीन जो फिल्में की हैं, एक श्याम सुंदर श्रीनाथ जी की है, एक काटू श्याम जी की है, एक फिल्म रिलीज पे है क्रीना, जी सर, दीपक नादा जी ने इसे लिखा है, होली शाह बाबा का शायरी किया है, तो और आशीष जी का म्यूजिक है। आशीष जी ने एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन बना के मुझे उसका हिस्सा बनाया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं गा के एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और बहुत ही ढेर सारी बधाइयाँ हैं इस एल्बम के लिए, सुनने वालों के लिए और बनाने वालों के लिए जिन्होंने इस एल्बम को बनाया है। मैंने अपना काम किया है, आप बस दुआ करें कि एल्बम चले और आप सबको अच्छा लगे। ये जे संत है भोले शाह बाबा, जे धुळेला समाधिस्थ है, तरी मला वाटतं की महाराष्ट्रातलं पहिले संत स्वरूप आहे, की ज्यांची दर्गा पण आहे आणि मंदिर पण आहे। म्हणजे याला असं सांगता येईल का अद्वैताचे पुजारी होते हे संत। अद्वैताचे पुजारी असणाऱ्या संतांचं कसं हिंदू मुस्लिम हा कुठलाही भेद न ठेवता, पण हा पहिला संतांचं की समाधीस्थळ पण आणि मंदिर पण आहे। तर या संतांच्या जेव्हा सान्निध्यात आलो मी, तेव्हापासून ठरलेल्या ह्या ज्या रचना आहेत माझ्या विभिन्न मराठीमध्ये, विभिन्न विदर्भ प्रदेशातील गायक गायचे गाऊन मोकळे व्हायचे, कुठं गातात, कसं गातात, याबद्दल मी अनभिज्ञ होतो। त्यानंतर मला जे ऐकण्यामध्ये विचार आला की हे आपले मराठी गीते लिहिलेले आहेत ह्या मुंबई सारख्या संगीत जी आला स्वर्गम समजू मुंबई शहराला, या शहरातून इथल्या नामवंत मंडळीकडून चांगला संगीतबद्ध करून ह्या रचना समजा आपण माध्यम राहील मला, आपल्या जे माझे सद्गुरू आहेत यांचं प्रचार प्रसार जो आहे, त्यांचे विचार, त्यांच्याबद्दल असलेली अर्थ आहे, यामध्ये मी त्यांची लिहिलेली आरतीपासून त्यांचं जन्मचं विवरण, कुठल्या कुठल्या स्थळाला गेले, कशी आलीत, आणि त्यांच्याबद्दल भक्ती कशी असावी, भक्तीची हाक कशी देता येईल, अर्थ कसं देता येईल, त्या सगळं असे विभिन्न स्वरूपात वेगवेगळ्या रचना ज्या लिहिलेल्या आहेत मी, त्या रचनांना घेऊन मुंबई शहरात येऊन जे माझं मन होतं, आज मी 3-4 वर्ष ह्या रचनांना तिथे गाऊन घेतलं लोकल कराकडून कसं वाटतं, नंतर मुंबईकडे पाचारण केलं स्वतःला, आणि इथेहून ही जी रचना संगीतबद्ध करून माझे मित्र जे आशिष डोणाल यांच्या सहकार्याने जे एकदम उत्तम क्वालिटी लावून, मला असं वाटतं की भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत बाबांचे चाहणारे जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत ही रचना पोहोचेल, त्यांची जी आस आहे आणि बाबांच्याबद्दल असलेली जी आस्था विश्वास ती आर्थना त्यांच्या हृदयात जागून एकदम मन आजच्याला, म्हणजे आजच्या धगधगीच्या जीवनामध्ये संगीत एक फार सुपीक साधन आहे, त्याला एक औषध म्हणतो ना, आत्म्याला दिलासा देणारं एक सुंदर साधन आहे, आणि संतांच्याबद्दल लिहिलेले लिखाण आणि त्यांच्याबद्दल असलेली ही रचना हे तर एक तरुण उपाय असलेलं औषध आहे मला असं वाटते, आणि हे पोहोचेल त्यांच्यापर्यंत, ते आनंद घेतील आणि या संतांची महिमा, त्यांचं कार्य त्यांच्या लक्षात येईल, याच माझा एक उद्देश आहे। सद्गुराला
अर्पण करण्याचे हे माझं कार्य, ईश्वर चरणी त्यांच्या चरणी, बस एवढं बोलू इच्छितो. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.